हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और अभी बस मैं नहा के आई हूँ, हेयर मैंने वॉश किया था। और जिस दिन हेयर वॉश करते हैं ना, उस दिन जो कर्ल होती है ना हेयर में, वो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना। ये कर्ली कर्ली हेयर हो जाते हैं, जब तक आप कॉम नहीं करोगे ना, आपके हेयर कर्ली कर्ली रहते हैं, तो इतना ही क्यूट से लगते हैं ना, अच्छे लगते हैं कर्ली हेयर मुझे। और बस अब मैं आ गई हूँ किचन में ही, और ये जो कर्ली कर्ली हेयर वो बनने वाला है बन में, क्योंकि गर्मी इतनी लगती है जब हम किचन में वर्क करते हैं, तो बस ये जो हेयर होते हैं वो बन जाते हैं बन के अंदर। एंड अभी मैं लंच बनाऊंगी, और आज लंच में मैं बना रही हूँ दाल चावल रोटी सब्जी। तो बस सिंपल सा खाना बना रही हूँ, एंड दाल मैंने जिसके लिए बॉइल्ड होने के लिए ऑलरेडी रख दी है। सोचा आप लोगों से बात कर लूँ पहले, तो चलो बनाते हैं लंच। एंड यहाँ मैंने कुकर को साफ नहीं किया, दाल जिसमें बनाई थी उसी कुकर में मैंने राइस बॉइल्ड होने के लिए रख दिए। जब तक राइस बन रहे हैं, दाल मेरी बन चुकी है, तो मैं यहाँ तड़के की तैयारी कर रही हूँ। मेरे साथ क्या है, दाल जब मैं बनाती हूँ ना, वैसे तो आप टोमेटो को ऐसे ही डाल सकते हो, पर जब टोमेटो है ना दाल में अलग से दिखाई देते हैं, इनके स्किन जो होते हैं ना वो अलग से दिखाई देते, तो मुझे बेकार लगते हैं। तो मैं टोमेटो को छिलके डालती हूँ सब्जी में, या फिर उसकी प्योरी बना के डालती हूँ। तो आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैं छिलूँ, तो मैंने यहाँ पे प्योरी बना दी। आप साबुत टोमेटो डाल सकते हो छिलने के बाद में, या फिर आपको स्किन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वैसे भी डाल सकते हो। एंड मैं आपको बता दूँ, मैंने रुद्र के खाने में भी मसाला ऐड करना स्टार्ट कर दिया। बस थोड़ी सी मिर्ची का लेवल कम रखती हूँ, ग्रीन चिली या तो एक ऐड करती हूँ या फिर नहीं करती। तो एंड यहाँ जब तक मसाला मेरा पक रहा है, मैंने यहाँ आटा भी साथ में लगा दिया, और दाल जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी उसमें सिर्फ मसाला ऐड कर दिया, और हमारी दाल बन के तैयार है। लास्ट में मैंने गार्निश करने के लिए इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड किए, और दाल बन गई। एंड दाल का मसाला जब पक रहा था तभी मैंने आटा लगा लिया था, रोटी भी हमारी यहाँ पे बन के तैयार है। तो दाल चावल रोटी, साथ में मैंने यहाँ पे बूंदी का रायता रखा है ना, आलू बैंगन टमाटर की यहाँ पे सब्जी है। आफ्टर लंच मैं यहाँ किचन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इवनिंग स्नैक के टाइम पे मुझे किचन क्लीन क्लीन मिलेगी, और थोड़ा टाइम भी था तो मैंने सोचा साथ के साथ किचन क्लीन भी कर देती हूँ। कल रात को पता है क्या हुआ, रुद्र सो रहा था, इसने पता नहीं सपने में क्या देखा और क्या नहीं देखा, तो नहीं नहीं कर रहा था, और इतनी तेज मेरे गाल पे इसने थप्पड़ मारा ना, मतलब हाथ से मारा तो मेरे सीधे गाल पे जाके लगा। ओ माय गॉड, उस वक्त आप इमेजिन नहीं कर सकते जब आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो और एकदम से आपके गाल पे थप्पड़ आके लगे, तो आपको कैसा लगे। मार के और बोल के कुछ सो गया, और उस वक्त मुझे बस गुस्सा आया था, पर मैंने उस वक्त कंट्रोल रखा, पेशेंस रखा, क्योंकि कोई फायदा नहीं। क्या है बेटा, कौन सी ए और कौन सा बी है, कौन सा क्या है, मम्मा को ये तो बता दो। हाँ, और ये देखो मेरी बेड की हालत जो हो रखी है। और ये आपने एक्सरसाइज वाला क्यों रख रखा है यहाँ पे, और बैट भी रख रखा है। हाँ ये देखो, क्या हुआ बेटा, क्या है ये, क्या इयररिंग? ये देख लो, आप देख रहे हो, मेरे को इयररिंग कभी नहीं पहनने देता, बिंदी नहीं लगाने देता, बैंगल्स नहीं पहनने देता। मुझे पता है क्या डर लगता है, जब भी मैं इयररिंग पहनती हूँ ना, मुझे डर लगता है कि अगर थोड़ा सा हेवी वाले होते ना वो पहन लूंगी, तो ये ऐसे खींच लेगा ना अगर, तो कान कट जाता है। तो मुझे बहुत डर लगा रहता है जब भी मैं इयररिंग पहनती हूँ, और मैं बहुत कम ही पहनती हूँ क्योंकि इसका कोई मुझे भरोसा नहीं है। और मैं बिंदी लगाती हूँ, मेरे से पहले बिंदी लेके ये लगा लेते हैं। आप क्या लगाते हो, देख लो ऐसे लगा लेता है। एंड अगर मैं बैंगल्स पहनती हूँ तो ये बैंगल्स भी पहनता है। हाँ बेटा, वो फेंक दिया दीवार पे, प्लीज यहाँ पे इकट्ठे कर दो बेटा, बाबू ये फट जाएगा बच्चों। हाँ मैं इसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सारे सामान इकट्ठे कर दे। मेरा बेटा तो गोद बॉय है, देखो करके दिखाएगा आपको, देखो मेरा बेबी कैसे काम करता है। अच्छा अच्छा बच्चा, अब ये सारा जो इसने गंदगी की है ना, मैं जितना भी किया होता है मैं ये सारा मैं इसी से क्लीन करवाती हूँ, क्योंकि इसकी हैबिट में रहता है, ये जो भी कर रहा है तो इसको ये आइडिया रहता है कि मुझे ये क्लीन करना है। तो एंड अभी मैं आ गई हूँ अपना ये काम करने के लिए, और अभी मैं जो करने वाली हूँ वो ये है। पहले लाइट ऑन करती हूँ, और मेरा बेटा पहले ही आ गया, अगर ये देखेगा तो मुझे नहीं करने देगा। नहीं बेटू, फैलाते नहीं, मम्मा यहाँ काम करने आई, आप मम्मा की हेल्प कर दो, गंदगी मत करो बच्चा। क्या क्या सीख रहा है तू, बहुत शैतान हो गया यार।
क्या बेटा? आऊँ आऊँ आइए। खोई गोकू, खोई गोकू। आपको पता है नेल पेंट लगाने से ज्यादा डिफिकल्ट होता है नेल पेंट को रिमूव करना, जो आधी अधूरी रह जाते ना वो उठाने में मुझे इतना जोर आता है ना, बहुत ज्यादा। आज इवनिंग स्नैक में मैं बना रही हूँ खीर। टाइम हो रहा है 3:30, खीर ऑलरेडी बन रही है एंड मैं पोटैटो फ्राई करूंगी। पोटैटो मैंने बॉईल कर लिए तो बस, और मेरे लिए चाय बनाऊंगी, रुद्र के लिए खीर एंड पोटैटो फ्राई हो जाएगी। थोड़ा बहुत मेरे लिए भी होगा, जो वो खाता है वही मैं इवनिंग स्नैक करती हूँ। एंड खीर यहाँ बन रही है मेरी, देखो। वैसे तो मैं इवनिंग स्नैक में खीर कम बनाती हूँ, बट आजकल क्या है, रुद्र को है ना मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे खीर या फिर हलवा कुछ भी देती हूँ तो ये नहीं खाता, तो मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा मीठा खाना भी सीखे नमकीन के साथ। पर्सनली तो खीर बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है अगर आप प्रॉपर वे में बनाती हो तो, बट राइस बच जाते हैं उस दिन, मैं खीर इसके लिए ट्राई जरूर करती हूँ। मोस्टली मैं इवनिंग स्नैक में ड्राई फ्रूट्स एंड मिल्क ज़्यादा देती हूँ, कभी कभी सीजनल फ्रूट्स दे देती हूँ, फ्लेवर्ड योगर्ट दे देती हूँ, जूस दे देती हूँ, बट लाइट ही देती हूँ। कभी कभी मैं पोटैटो फ्राई करके भी, चाय मेरी बन चुकी है। आलू फ्राई होने के बाद मैं इसमें नमक ऐड करती हूँ, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ, चाट मसाला ऐड करती हूँ और हमारी खीर, पोटैटो फ्राई एंड चाय बिल्कुल रेडी है पीने के लिए। क्या हुआ बेटा, कॉपी हो गया? क्या हुआ बेटा? देखो मम्मा क्या लेके आई आपके लिए, और मम्मा स्पून तो लाना ही भूल गई। क्या है बेटा ये? क्या है बेटा? केसर। आपको कैसा लगता है केसर? गंदा गंदा लगता है आपको? आपने टेस्ट कब किया? चलो ये बताओ ये क्या है? 1-2 है। ओके, इसे देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि बच्चे पेरेंट्स को देख के कितना कुछ सीख जाते हैं, जो हम करते हैं वो बच्चे भी करना अपने आप सीख जाते हैं। इसलिए आपको कुछ भी सिखाना है तो बच्चों के सामने खुद करिए, तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो चीज़ करना स्टार्ट कर देता है। ये थक गया तो मैंने यहाँ पे पानी ऑफर किया। आफ्टर पूजा मैं मार्केट चली गई थी, हमारे नियर बाई लगते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मुझे लगा थोड़ी देर जरूर जाना चाहिए। जब बाहर जाते हैं ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है, थोड़ा फ्रेश फील होता है, जब लोगों को कुछ ना कुछ करते दिखते तो मुझे भी अच्छा लगता है। थोड़े बहुत सामान भी लेने थे जैसे वेजिटेबल्स वगैरह, तो मैंने सोचा चलो घूम के आते और लेके भी आते। आने के बाद मैंने रुद्र के अच्छे से हैंड वॉश कराए थे, फेस क्लीन करवाया था। मार्केट से आने के बाद में बस सिंपल सा मैंने यार डिनर की प्रिपरेशन की। आज डिनर में मैंने स्पेशल कुछ नहीं, आलू टमाटर की सब्जी बनाई, रुद्र के लिए थोड़ी सी पनीर बनाई है एंड रोटी, बस सिंपल इतना सा ही। कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई ना, कुछ और बनाने का तो मन भी नहीं करता, खाना बन जाए वही ऐसा लगता है बहुत बड़ा टास्क हो गया हो। क्या लाइए मम्मम आपके लिए? क्या लाइए मम्मम? और हाई चेयर पे बैठोगे, यहीं पे बैठ के खाओगे हाई चेयर पे? तो चलो हाई चेयर पे, चलो आ जाओ हाई चेयर पे बैठेगा ये। ये कितने काउंट करो, 1-2-3। आफ्टर डिनर में और रुते थोड़ी देर के लिए बुक रीडिंग हो या फिर फ्लैश कार्ड हो, कुछ भी हो रीडिंग से रिलेटेड हम लोग करते हैं। इसे मैं यहाँ पे आज काउंट करना सिखा रही हूँ। 9:15 के बाद में इसका बेड टाइम स्टार्ट हो जाता है और 10 बजे तक ये सो जाता है। बस कुछ इस तरीके से मेरा आज का डे गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।